तो सुधुको नया नया फोन आपने ले लिया है तो मतलब मेरी तरफ से सुधुल तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, लेकिन एट द सेम टाइम आपको बताने वाला हूं अभी पांच ऐसी टिप्स जिनको अगर आपने फॉलो किया तो आपका ये फोन लंबे टाइम तक चलेगा, आप आराम से इसको यूज कर पाओगे विदाउट एनी इश्यूज। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दो और ये टिप्स फॉलो कर लेना ताकि आपका फोन आप लंबे टाइम तक यूज कर पाओ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहली टिप तो ये है ना कि ये बात गांठ बांध लो कि फोन को लंबा यूज करना है। लंबा यूज करने से मेरा मतलब ये है मिनिमम 3 साल तो देखो यूज करना ही करना है, बिकॉज अगर आप उससे जल्दी फोन को चेंज करोगे इट डज नॉट मेक सेंस टू बी ऑनेस्ट, मतलब फाइनेंशियली भी और अदरवाइज भी। हाँ, अगर आपका काम ही ऐसा है कि भैया नया नया फोन चाहिए ही चाहिए और पैसा भैया ऐसे अंधा आ चुका है तो फिर जो करना है करो, लेकिन यूजुअल केस में फॉर अ नॉर्मल कंज्यूमर मिनिमम आपको ये दिमाग में बात रखनी चाहिए कि आज अगर आपने एक नया आईफोन ले लिया है, नया सैमसंग ले लिया है या कोई भी आपने फोन ले लिया है नया, तो वो आप मिनिमम 3 साल 4 साल तो यूज करो। तो सबसे पहली बात इस चीज के साथ शुरुआत कर लो। गाइस, पॉइंट नंबर 2, केयरफुल यूजेज। आपका जो मोबाइल फोन है इट्स अ डेलिकेट डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक्स इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे हैं, झटका लगने से गिरने से आपको पता है भैया फोन का स्क्रीन टूटेगा तो कितना खर्चा होता है, कहीं गिर गया कुछ कैमरा वैमरा हिल गया, स्पीकर हिल गया, चार्जिंग पोर्ट पर दिक्कत होगी, मतलब आपको पता है डैमेज हो सकता है। तो क्योंकि आपको पॉइंट नंबर 1 पता है कि आपको फोन को लंबा यूज करना है तो फोन को केयरफुल यूज करो। केस लगा सकते हो, जैसे मैं केस यूज़ नहीं करता बिकॉज मेरे को लगता है कि मैं फ़ोन को हर कुछ टाइम ही चेंज कर लेता हूँ तो मेरे को इतना इसका ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने एक S24 अल्ट्रा लिया है और आपको पता है कि आपको 3 साल यूज़ करना है तो आप नहीं चाहोगे ना कि आपका फ़ोन गिरा कहीं पे और आपका भैया बैक टूट गया, स्क्रीन टूट गया, कुछ भी डैमेज आ गया, आपने नया आईफोन लिया है व्हाटएवर। तो केयरफुल यूजेज के लिए केस लगा सकते हो अच्छी क्वालिटी का, अगर फ़ोन में इतना खर्चा किया है तो थोड़ा सा खर्चा केस पे कर लो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक स्क्रीन गार्ड आप यूज़ कर सकते हो, उसके अलावा फ़ोन को ध्यान से हैंडल करो। कई बार लोग होते हैं जो रैंडमली फ़ोन गिर गया है वो चलता रहता है, लेकिन अगर आप थोड़ा केयरफुल जाओगे तो आप ऐसा डैमेज होने से फ़ोन को बचा सकते हो। कहीं बाहर निकले हो, कई बार जो है कहीं पार्टी वार्टी करके आ रहे हो, फ़ोन कहीं आपने छोड़ दिया कैब में, भूल गए, ये वो, फ़ोन खोना बहुत एक कॉमन हो जाता है। तो मेक श्योर कि मोबाइल फ़ोन को केयरफुली हैंडल करो ताकि भाई 4 साल आपके साथ वो रहे तो सही, तभी तो आप इसको यूज कर पाओगे। अब गाइस बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। पॉइंट नंबर 3 है एक्सट्रीम यूजेज, अगर हो सकता है तो उसको अवॉइड करो। और एक्सट्रीम यूजेज से मेरा मतलब क्या है ना, आप थोड़ा समझना। देखो, जैसे मैं अपने फ़ोन को कितना यूज़ करता हूँ नॉर्मल केस में, दिन का 1 घंटा, दिन का 2 घंटा, जितना होता है, कभी व्हाट्सएप आ गया, कभी इंस्टाग्राम देख लिया, कभी कुछ ऐसा। लेकिन एट द सेम टाइम काफ़ी यूजर्स ऐसे हैं जो एक नया फ़ोन जब लेते हैं तो उसको एक्सट्रीम लेवल्स पे यूज़ करते हैं, मतलब 18-18 घंटे वो फ़ोन में लगे हुए हैं, या गेम चल रहा है तो सुबह से लेकर रात तक फ़ोन में अपने गेम खेलते जा रहे हैं। अब उससे होता क्या है, एक तो आप जो फ़ोन है उसको यूज़ कर रहे हो, लेकिन यूज़ करने से उसकी बैटरी भी तो डाउन जा रही है, तो आप उसको दोबारा चार्ज कर रहे हो, फ़ोन गर्म भी हो रहा है, हो सकता है। तो ये सब जो अंडर स्ट्रेस इतना लंबे टाइम तक अगर आप फोन को एक्सट्रीम यूज कर रहे हो तो आप कहने की उसका लाइफ स्पैन कम कर रहे हो, मतलब जो कंपोनेंट 4 साल में खराब होता है वो हो सकता है 1 साल में खराब हो जाए। तो पॉइंट इज कि आप एक्सट्रीम यूजेज से जितना दूर रहोगे उतना बढ़िया है, मॉडरेशन में यूज करो, जितना आपको पता है यूज करना चाहिए, अति मत बजा दो किसी चीज़ की। मतलब कहने का मतलब यह है, अगर आपका लाइफस्टाइल ही ऐसा है तो फिर आपको पॉइंट नंबर 1 पे ही चेंज कर लेना चाहिए कि आपको पता है कि आपको फ़ोन 1 साल बाद भैया ख़त्म हो जाएगा तो चेंज करना ही पड़ेगा। लेकिन एक्सट्रीम यूजेज से बचो, थोड़ा अगर फ़ोन बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है तो उस टाइम पे उसको चार्ज मत करो। अगर आप कार में फ़ोन को यूज़ कर रहे हो और भैया AC VC आपने चलाने रखा और फ़ोन में आपने हॉटस्पॉट भी ऑन कर दिया, मैप्स भी ऑन कर रखा है, सब कुछ हो रखा है, चार्ज भी कर रखा है फ़ोन घर में, तो भैया फ़ोन तो डैमेज तो होगा कहीं ना कहीं, तो उसको अवॉइड करो। अब गाइस बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, तो वो है बैटरी का ख्याल रखना। बिकॉज मोबाइल फोन में ना स्क्रीन यूजुअली कोई दिक्कत नहीं देगा,
आपका कैमरा या स्पीकर यूजुअली कोई दिक्कत नहीं देगा। दिक्कत आपको देगा फोन का बैटरी वाला सिस्टम, कि फोन को लिए हुए 2 साल हो गया, हो सकता है आपकी बैटरी का आपको बैकअप नहीं मिल रहा है, तो आप बोलोगे कि यार अब तो फोन नया मेरे को डालना ही पड़ेगा। तो यहां पे ना बैटरी का खास ख्याल रखो। ख्याल क्या हो सकता है, चार्ज जब बैटरी को करते हो तो 80% तक ही चार्ज करो, पूरी 100% तक चार्ज मत करो। यूजुअली मोबाइल फोन्स में आजकल काफी सारे बैटरी हेल्थ वाले इनबिल्ट ऑप्शंस आ गए हैं, उनको यूज कर लो कि आप फोन को एकदम बैटरी को नहीं इतना स्ट्रेस में मत डालो, क्योंकि अगर आप बैटरी को एक सही हेल्दी रेंज में रखोगे तो बैटरी कहीं ना कहीं आपकी आराम से चलेगी 3 साल 3.5 साल 4 साल तक। तो आपको पता है मोबाइल फोन का जो एक्सपीरियंस होगा ना 4 साल यूज करने का, वो पेनफुल नहीं होगा। तो कीप अटेंशन अराउंड द बैटरी। अब इस बात करता हूं लास्ट और फाइनल चीज की, पांचवा पॉइंट, वो है सॉफ्टवेयर से जुड़ा हुआ। सॉफ्टवेयर अपडेटेड रखो अपने फोन का, सिक्योरिटी अपडेट्स का ध्यान रखो, और मोबाइल फोन को एक हैबिट बना लो यूजुअली कि हर 4-6 महीने में एक बार आपको रीसेट करना है। एक बार रीसेट करने के बाद में फोन का डेटा आप ऑर्गेनाइज कर लो कि जो फोटोज वगैरह आ गई हैं बहुत ज्यादा कई बार हो गया, आपने उनका थोड़ा बैकअप ले लिया है, जो अनवांटेड एप्लीकेशन है, कई बार क्या होता है मोबाइल फोन के अंदर अपनी एप्लीकेशन डाउन रखी है, पूरा फोन को भर रखा है जबकि आप उनको काम मिल ले रहे हो। तो जब आप उस फोन को रीसेट करोगे तो आपको पता है कि यार मेरी क्या हैबिट रही है, कौन सी एप्स मेरे को चाहिए और कौन सी वेस्ट थी जो अब नहीं चाहिए मुझे। तो एवरी 5-6 months ट्राई टू डू अ कंप्लीट रीसेट, अपने फोन को पूरा रीसेट करो, दोबारा शुरुआत से जो है वो पूरा फोन को ढंग से सेट करो, अपनी जो एप्लीकेशंस वगैरह आपको चाहिए वो रखो, जो बकवास थी उनको डिलीट मारो। ये जब आप हैबिट करोगे हर 6-6 महीने में तो ये एक अच्छी हैबिट है, और इन बिटवीन जब सॉफ्टवेयर अपडेट्स आ जाते हैं तो अपडेटेड रखो अपने फोन को, एंड दैट्स इट। तो गाइज ये है मेन वो 5 पॉइंट, आप अगर इनको दिमाग में रखते हो तो चांसेस आर कि जो भी आपका नया फोन है आप उसको कंफर्टेबली 3-4 साल आराम से यूज कर पाओगे, हो सकता है उससे ज्यादा भी, बिकॉज मैं लोगों को जानता हूं जो 5-5 साल भी फोन यूज करते हैं और फोन चल जाता है 5 साल। लेकिन अगर आप इनमें से हैबिट्स को नहीं फॉलो करोगे, आपका फोन गिर गया, स्क्रीन टूट गया, ये हो गया, स्क्रैच आ गया, खराब हो गया, तो हो सकता है वो खुद का मन नहीं करेगा कि यार ये मैं झेल रहा हूं। मतलब डिफरेंस है ना कि आपके फोन का मान लो बैक टूट गया और आपने एक कवर लगा लिया छुपाने के लिए या स्किन लगा लिया आपने, फिर आप यूज कर रहे हो, फिर कभी आपने कवर निकाला तो दोबारा फोन टूट, तो आप लंबा उसको यूज नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपका फोन एकदम नीट एंड क्लीन है, ब्रांड न्यू कंडीशन में है, तो आपको 2 साल बाद भी लगता है कि अरे यार फोन तो मेरा फर्स्ट क्लास चल रहा है, मैं चेंज क्यों करूं। तो गाइस ये वो मेन हैबिट्स हैं, जस्ट फॉलो, एंड कंक्लूजन आपके नए फोन के लिए, और ऑल द बेस्ट एडवांस में कि आप अपने फोन को लंबे टाइम तक यूज करो ताकि फाइनेंशियली कोई दिक्कत ना हो आपको और आपका एक सही फैसला रहे मोबाइल फोन लेने का और उसको अच्छे से पूरा यूटिलाइज करने का। आई होप यू पसंद आया होगा, तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आपसे मिलने वाला हूं अगले एपिसोड में एक बार वापस किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। फिलहाल में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।